हाय आईफोन यूज़र्स, मैंने अपना फ़ोन iOS 18.1 के ऊपर अपडेट कर लिया है। चलो आज जानेंगे कि इस अपडेट में हमें कौन से नए फीचर्स देखने को मिलते हैं और आईफोन 13 में ये अपडेट कैसा परफॉर्म कर रहा है। सो सबसे पहले आप देख सकते हो सीरी पुराने वाली है, कोई भी हमें एप्पल AI वाली जो सीरी है वो नहीं देखने को मिल रही, वो आईफोन 15 प्रो और प्रो मैक्स या इससे आगे वाले मॉडल्स में देखने को मिलेगी। उससे पहले सबसे पहले चलते हैं जनरल सेक्शन में, सेटिंग्स में, राइट। सो अबाउट फोन में आईफोन 13 प्रो ऑन द iOS 18.1। सो बिल्ड नंबर चेकआउट करते हैं। सबसे पहले सेटिंग्स में मैंने ना स्क्रीनशॉट्स ले लिए थे अपडेट करने से पहले, मैंने आज सुबह इसको अपडेट किया था और आज का फुल डे मैंने इस अपडेट को यूज़ किया है। सो लेट्स सी कि ये अपडेट कौन से नए फीचर्स लेके आता है। उससे पहले आप इस अपडेट का सारा सिनेरियो चेकआउट कर सकते हो कि ये जो अपडेट का साइज़ है ना वो है 8 GB के आसपास। ये 18.1 का जो बीटा अपडेट है वो टोटली काइंड ऑफ ये बोल सकते हो कि ये बीटा स्टेजेस में है अभी मेरा फ़ोन, क्योंकि मैंने अपडेट किया था स्टेबल अपडेट से। ये मैंने फुल फर्मवेयर मेरी अपडेट हुई है, 8 GB से प्लस का ये अपडेट का साइज़ है। मेरे फ़ोन ने कम से कम 15 मिनट लिए और हाँ मेरा फ़ोन हीट हुआ अपडेट होते समय, और उसी के बाद यहाँ पर 18.0 के ऊपर था मेरा फ़ोन, पहले मॉडर्न फर्मवेयर नहीं, बिल्ड नंबर ये था, बिल्ड नंबर आई बिलीव। और अभी चेक करते हैं बिल्ड नंबर, ये देखो बिल्ड नंबर चेंज हो गया है। अभी यहाँ पर अवेलेबल स्पेस 33.93 GB है, पहले अवेलेबल स्पेस कितनी थी 20 GB। ओवरऑल 13 GB फ्री हुई है इस अपडेट को इंस्टॉल करने से। प्लस पॉइंट मेरे फ़ोन के लिए, आपके केस में 18.1 कैसा रहेगा वो अपडेट करने के बाद पता चलेगा, राइट। लेकिन अभी बीटा स्टेजेस में है तो अपडेट नहीं करना है आपको, ये काइंड ऑफ एक रिव्यू वीडियो है कि कैसे रहेगा 18.1 आपके फ़ोन में, वो मैं आपको शो कर रहा हूँ। मॉडर्न फर्मवेयर है 4.02.05, पहले मॉडर्न फर्मवेयर कितना था 4.10.01। मॉडर्न फर्मवेयर चेंज्ड है और नेटवर्क कैसे हैं वो मैं आपको यूज़ करने के बाद में बताऊंगा। मॉडर्न फर्मवेयर अभी तक तो मेरे को आज जो है ना मोस्टली मैंने वाईफाई के ऊपर ही फ़ोन को यूज़ किया है, कुछ एक घंटा डेटा कनेक्शन के ऊपर फ़ोन होगा लेकिन वो सही चल रहा था, कोई इशू नहीं आया। अभी मैं आपको क्लियर बता दूँ कि स्टोरेज स्पेस मुझे काफ़ी ज़्यादा फ्री देखने को मिली इस अपडेट में। बैटरी हेल्थ की तरफ बैठते हैं, पहले मेरे फ़ोन की बैटरी हेल्थ 68% शो होती थी, क्योंकि वो फेक है, क्योंकि मैंने बैटरी रिप्लेस कर रखी है। यहाँ 68 की 68 है, एक्चुअल जो मेरी बैटरी हेल्थ है ना वो 85 है, क्योंकि जो मेरी बैटरी सेल है ना उसकी हेल्थ 85 है, कंप्यूटर से चेक हो जाती है थ्री टूल सॉफ्टवेयर से। अगर आपका सवाल है कि मैंने बैटरी कैसे चेंज की बिना मैसेज लाए कि अननोन पार्ट का मैसेज लाए, तो वो आप वीडियो चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। अब मैं आपको दोस्तों बताता हूँ इस अपडेट में कौन से खास नए फीचर्स आए हैं। सबसे पहले आपको कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने को मिल रहा है अब इस अपडेट में। कॉल रिकॉर्डिंग काम कैसे करेगी, यहाँ पर आप देखो मैंने ना ट्राई कर लिया है कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर और वो काफ़ी बढ़िया काम कर रहा है। कब होगा क्या कि जब आप किसी को कॉल कर रहे हो, जब वो बंदा फ़ोन उठा लेगा ना, तो आपको यहाँ कॉल रिकॉर्डिंग के दौरान एक छोटा सा यहाँ आइकन देखने को मिलेगा, जैसे इस आइकन को प्रेस करोगे आपकी कॉल रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। और एक और अटेंशन देने वाली चीज़ मैं आपको बता दूँ कि आपका फ़ोन अगले बंदे को बता देगा कि दिस कॉल हैव बीन स्टार्टेड रिकॉर्डिंग, राइट। अगले बंदे को मैसेज जाएगा, जैसे ही आप कॉल कट कर दोगे ये जो कॉल रिकॉर्डिंग है ना आपकी नोट्स ऐप में सेव हो जाएगी ऑटोमेटिकली, और आप इस कॉल रिकॉर्डिंग को नोट्स ऐप में सुन सकते हो, शेयर कर सकते हो किसी को भी। ऐसे ऐसे ये काम कर रही है कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर। उसी के साथ साथ मैंने सोचा था कि मतलब AI एप्पल इंटेलिजेंस देखने को मिलेगी, लेकिन एनी हाउ वो अभी सेम ही है। चेंजेस मैंने क्या क्या नोटिस किए, दोस्तों यहाँ आपको कीबोर्ड में ना अब साइज़ काफ़ी आपको ना ये इनका जो डिफरेंस है ना साइज़ का, साइज़ इन द सेंस कि इन कीबोर्ड के इमोजेस में जो यहाँ स्पेस है ना वो इंक्रीज़ कर दी गई है। चलो एक बार मैं पुराने अपडेट से कंपेयर करता हूँ, आईफोन 11 में भी iOS 18 ही है, लेकिन नहीं वो इसमें 18.1 है, राइट। मैं पुराने फ़ोन से कंपेयर करता हूँ, देयर वी गो, इसमें जूस है थोड़ा बहुत। अभी आप देख सकते हो यहाँ पर इमोजीज काफ़ी इकट्ठे हैं, लेकिन यहाँ पर स्पेस काफ़ी बढ़ गई है। मैंने नोटिस किया कि यार यहाँ तो मेरी डिस्प्ले का साइज़ छोटा हो गया या इमोजीज बड़े बड़े दिख रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में इमोजीज का साइज़ भी बड़ा हुआ है और उनमें स्पेस भी इंक्रीज़ कर दी है।
सो ये फीचर आया है, और भी कई नए फीचर्स आए हैं, लेकिन उनकी मैं वीडियो अलग से लाऊंगा। सो दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं कंक्लूजन कि आपको ये अपडेट करना है या नहीं करना है। बाय द वे, अभी मेरे को ना सिर्फ लैग दिखाई दिया, वो सिर्फ इंस्टाग्राम में। मैं एक रील अपलोड कर रहा था और उसमें मैं टेक्स्ट लिख रहा था, और उस टेक्स्ट में इतना ज़्यादा लैग हुआ ना। सो आई वुड से कि मतलब मैं कॉल रिकॉर्डिंग की ही रील अपलोड कर रहा था। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये मैंने टेक्स्ट लिखना था, सो इसमें बहुत ज़्यादा फ़ोन लैग हुआ, लेकिन ठीक है, चल गया। और किसी जगह पर मेरे को लैग देखने को नहीं मिला, लेकिन लैग हुआ था। सो दोस्तों, आप इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा फॉलो करने का, यहाँ डायरेक्टली आप फॉलो कर लेना इस पेज पे जाके। सो दोस्तों, आपको ऑन द वे आपको नए नए शॉर्ट्स, नए नए रील्स जो है ना, नए नए फीचर्स यहाँ पर ही पता चलते रहेंगे। सो ओवरऑल मेरे को और कहीं किसी ऐप में लैग वगैरह देखने को नहीं मिला। सो मैं कहूँगा कि अपडेट अभी तक तो सही चल रहा है, बैटरी वाइज भी, नेटवर्क वाइज भी, परफॉर्मेंस वाइज भी। डिस्प्ले में कोई इशू नहीं आया, ग्रीन स्क्रीन का दिक्कत नहीं है। सो मैं आपको कंक्लूजन मेरा ये है कि अगर आपको कॉल रिकॉर्डिंग अभी बहुत ज़रूरी चाहिए तो अपडेट कर लो, वरना रहने दो। अभी तो ये स्टेबल वर्जन में भी नहीं आया, सो एटलीस्ट पहले स्टेबल वर्जन में आ लेने दो और फिर अपडेट करने की सोच लेना। फिर भी मैं आपको फुल रिव्यू एक हफ्ते के बाद प्रोवाइड करूंगा ही कि कैसा चल रहा है। सो दिस वॉज द वीडियो फॉर नाउ। आई होप गाइज आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, थैंक यू सो मच।